खतरे और कठिन स्थानों पर तैनात सैन्य अफसरों और कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। सेना कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत अफसरों को 10,500 और JCO व जवानों को 6,000 रुपये प्रति माह का जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। सेना की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह प्रावधान तीनों सेनाओं के लिए लागू होगा और एक समय में कठिन क्षेत्रों में तैनात करीब 40% अफसरों एवं जवानों को इसका फायदा मिलेगा। बयान में कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों में इस प्रकार का भत्ता पहले से दिया जा रहा था, लेकिन अब सेनाओं के लिए भी इसे लागू कर इस विसंगति को दूर किया गया है। जी हां, आपको बता दें यह मामला 2019 से ही प्रक्रिया में था, इसलिए इसे 22 फरवरी 2019 से ही लागू करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के क्रियान्वयन से 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ रक्षा बजट पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।